इसके लिए हम लोग अपना जान भी दे देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। अपनी मांग को पूरा करने के लिए तो जाना ही पड़ा। दवा भी मेरे पास में दवा है, दवा खा के अभी हम आए हैं। आने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी दवा खा के आए। तो हमें हक के हम अब काम करते हैं, काम का पैसा मांग रहे हैं। धमकी दिया था कि करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जी सर, छुट्टी चाहिए। यहाँ तक कि ईद बकरीद हम लोग का जो होता है, ईद में भी कोई छुट्टी नहीं है। उसमें भी कोई छुट्टी है, मात्र 16 को सीएल है, उसमें 365 दिन ही हम लोग काम करते हैं, एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलता है। और अंशकालीन बना दिया तो हम लोग को ड्यूटी ना शिफ्ट बाई लेता कि 24 घंटा ड्यूटी किस बात का है। हम लोग अंदर से शोषण हो रहा है, घुट घुट के स्कूल में हम रह रहे हैं। हम लोग को जो 13,000 वेतन मिलता है 24 घंटा ड्यूटी करने पे, लेकिन अभी है कहीं इतनी महंगाई में 13,000 में हम लोग को क्या गुजारा हो सकता है। मौजूद हैं गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में जो है आज उन लोगों ने धरना दिया है जो सरकारी स्कूल में सुरक्षा कर्मियों का काम करते हैं, जैसे प्यून हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है 15 सूत्री मांगों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं जो बच्चा की सुरक्षा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आप देख लें बैठे हुए अपनी मांगों के साथ, इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे और बात करके जानेंगे क्या क्या मांगे हैं इनकी, किन किन मांगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। 15 सूत्री मांग है हम लोग का, जिसमें अभी हम लोग अपने जानकी कुमारी में नाम हुआ अंशकालीन शिक्षिका हुए। हम लोग को जो 13,000 वेतन मिलता है 24 घंटा ड्यूटी करने पे, लेकिन अभी है कहीं इतनी महंगाई में 13,000 में हम लोग को क्या गुजारा हो सकता है। अभी मिडिल स्कूल के शिक्षक को जो 6 घंटा ड्यूटी करते हैं उनको मिल रहा है 45,000। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बच्चे को छोड़ के, अपने घर छोड़ के, दुख बीमारी तक में हम लोग अपने विद्यालय में ही रहते हैं, तो हम लोग को 13,000 क्या, ऐसे में हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। हम लोग अंदर से शोषण हो रहा है, घुट घुट के स्कूल में हम लोग रह रहे हैं। और हमारे यहाँ रसोईया है, आदेशपाल है, नाइट गार्ड है, टोटल कर्मी हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं। अगर हम लोग हैं अंशकालीन तो हम लोग को शिफ्ट बाई शिफ्ट बांटा जाए, ये नहीं कि है तो 24 अंशकालीन हम लोग को बना दिया गया। पहले पूर्णकालिक पे हम लोग ज्वाइन किए थे और अंशकालीन बना दिया गया है, और अंशकालीन बना दिया तो हम लोग को ड्यूटी ना शिफ्ट बाई लेता कि 24 घंटा ड्यूटी किस बात का है, किस तरह का शोषण है, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। 24 घंटा ड्यूटी दे आप लोग कर रही हैं, 13,000 रुपये वेतन मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, घर परिवार कैसे नहीं चल पाता है। हम लोग को बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होता है। लगता है 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और उसमें भी कोई छुट्टी है, मात्र 16 को सीएल है, उसमें 365 दिन ही हम लोग काम करते हैं, एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलता है। एक दिन छुट्टी मात्र 365 दिन में मात्र 16 ही सीएल है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। घर परिवार किस तरीके से चला रहे हैं? जैसे तैसे चल रहा है, बाल बच्चा बिलट रहा है, हस्बैंड है, घर परिवार में सास ससुर सब कुछ है, सबको मतलब देखना पड़ता है। हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, इससे हम लोग को बहुत शोषण किया जा रहा है। एक दिन भी छुट्टी नहीं, मांगों के साथ उतर चुकी हैं। 15 सूत्री आप लोगों की मांगे हैं तो इसमें छुट्टी भी चाहिए आपको। जी सर, छुट्टी चाहिए। यहाँ तक कि ईद बकरीद हम लोग का जो होता है, ईद में भी कोई छुट्टी नहीं है। ईद बकरीद नहीं, अगर जाना है तो सीएल लेके जाइए। अब 16 सीएल साल भर चलाना है और उसमें से भी सीएल लेके जाइए तो फिर बाकी छुट्टी बाकी काम भी तो है, तो नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को हो रही है। तो कभी बात करने की कोशिश की या फिर किया गया? बहुत किया गया, इससे पहले भी हड़ताल हुई तो कोई इस पर मतलब कोई खास नहीं मिली, सिर्फ धमकी दिया था कि करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बहुत लोग बेरोजगार है, बात तो सही है, बहुत लोग बेरोजगार है, मगर ये शोषण होता है एक तरह का। हाँ, ये क्यों ऐसा क्यों, हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का अपना हक है, हड़ताल हमारा हक है, तो हमें हक के हम अब काम करते हैं, काम का पैसा मांग रहे हैं। हर आदमी काम कर रहा है तो छुट्टी चाहिए, उसके लिए घर परिवार है, बच्चा है, तो छुट्टी चाहिए। हम लोग को पैसा चाहिए, छुट्टी चाहिए, सब एकदम मेन पॉइंट जो हम लोग को चाहिए, नियमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, नियमित करना चाहिए, राजकर्मी का ये दर्जा देना चाहिए हम लोग को। आप लोग का ये धरना प्रदर्शन जो है ये कितने दिन चलेगा? अभी तो हम लोग 13 तारीख से अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन जी, घर परिवार छोड़ के आई हैं, महिलाएं हैं, बच्चे को भी छोड़ के आई हैं, इस तरह से कठिनाई से यहाँ रहना बहुत परेशानी होकर आए। तबीयत आज सुबह तो मैं इतना डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन फिर भी सोचे कि नहीं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए तो जाना ही पड़ा। दवा भी मेरे पास में दवा है, दवा खा के अभी हम आए हैं। आने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी दवा खा के आए हैं। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करें? इसके लिए हम लोग अपना जान भी दे देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। नहीं, पिछले बार नर्सिंग की छात्राओं ने भी करीब 1.5 महीना धरना प्रदर्शन किया था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
तो हम लोग महिला कर्मी होकर हम लोग इतना शोषण किया जा रहा है कि मतलब हमेशा खाली धमकी मिलता है कि हटा देंगे हटा देंगे हटा देंगे, बार बार यह टॉर्चर किया जाता है जी सर। चलिए तो आपको बता दें कि गर्दनी बाग में मौजूद हैं और जितने भी इस पर महिलाएं हैं, जो रसोइयां हैं, प्यून हैं, जिसका जो काम होता है वो सबको यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बस 16 सेल मिलता है, उसके अलावा एक भी इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, चाहे कोई भी पर्व हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, उसको लेकर लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और मात्र 13,000 रुपये मिलता है। साफ तौर पर लोगों की मांग है कि वेतन भी बढ़ाया जाए, जिस तरह से इनका शोषण हो रहा है, 24 घंटे ड्यूटी रहता है, उसको बंद किया जाए। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।